हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो आज मैं बैठी हुई थी अपनी नीचे बालकनी में और मैंने देखा कि खूब अच्छी धूप निकली है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने इंडोर गार्डन की ही थोड़ा केयर करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इनकी देखभाल नहीं की। कम से कम एक महीना तो हो ही गया होगा फ्रेंड, और मैंने एक महीने से बिल्कुल इनको देखा नहीं है फ्रेंड्स। और ये देखिए, बारिश इतनी हुई थी कि पानी इतना इन लोग में हो गया था कि मुझे पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ग्रोथ अभी भी है इनकी। कुछ प्लांट है जो कि देखिए, ये मेरा है क्रिसमस प्लांट फ्रेंड, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है फ्रेंड। मैंने आज इसको भी, वो उधर रहता है मेरे, तो फ्रेंड मैंने इसको भी निकाल के आज धूप में रखा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा इसको एक दो दिन की धूप मिल जाए फ्रेंड्स, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है। देखिए तेज़ हवाएँ चल रही हैं फ्रेंड्स, और मेरे गार्डन में कुछ इस तरह से मैंने फैला रखा है पूरा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा अरेका पाम। मैंने इनसे पे कभी वीडियो नहीं बनाई है फ्रेंड्स। मेरे पास दो अरेका पाम है, एक वो है, एक ये है। मैं बहुत जल्द आप लोग पे इस पे वीडियो शूट करूंगी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप। ये है मेरा अरेका पाम, बहुत खूबसूरत लगता है। और अरेका पाम आप, ये जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फ्रेंड। आप इसको इंडोर में अपने रख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मनी प्लांट। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है फ्रेंड। इसकी लीव्स देखिए कितनी प्यारी प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अब मेरे इधर विंटर में अब इधर थोड़ी सी धूप आने लगेगी। ये देखिए मेरा लेडी पाम है, और ये क्रोटन। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको थोड़ा सा जो पॉट प्लास्टिक के आते हैं ना, खूबसूरत से डिज़ाइनर, मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करूँ। जैसे मैंने अभी कल ये मैंने दो पॉट खरीदे फ्रेंड, एक येलो कलर का और एक पिंक कलर का, और कलर मुझे मिला नहीं जो मुझे अच्छा लगता। तो मैंने सोचा कि मैं फिर आऊँगी तो मैं ले लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये दो पॉट खरीदे 160-60 के, और ये मुझे 120-20 की 125 का मिला दो पॉट। ये तो ये मेरे पुराने हैं फ्रेंड, मैं कुछ दिन पहले लाई, और दो पॉट मैंने ये खरीदा जिसमें मैंने शिफ्लेरा लगा रखा है। मैं शिफ्लेरा इसमें लगाऊँगी फ्रेंड्स, और इसमें मैंने अपना खूबसूरत रबर प्लांट जो है मेरा, मैंने इसको मैं लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत चेंजिंग करूँ, और मैं यहाँ पे स्टैंड बनवाने के चक्कर में हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं स्टैंड बनवा के, क्योंकि मुझे समर में ज़्यादा प्लांट नहीं खरीदने फ्रेंड, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ कि प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं प्लांट्स ना खरीद करके इस समर में जितने प्लांट हैं उनको मैं बचा के मैं जो हूँ अपने गार्डन में कुछ स्टैंड और पॉट अच्छे अच्छे खरीदूँ फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे गार्डन में मैंने कुछ पॉट वगैरह नहीं लिया था। वही मिट्टी के क्ले ला रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पानी भी कम देना पड़ता है, और इस बार मैं यहाँ पे भी नेट लगवा दूंगी फ्रेंड। तो यहाँ पे भी मैं नेट लगवाने के बाद, और मैं सोच रही हूँ कुछ मैं पॉट्स यहाँ पे चेंज करूँ। देखिए फ्रेंड, मेरे क्रोटन की लीव्स सब लगी हुई थी, जैसे ही मैंने हाथ लगाया सारी लीव्स अभी अभी ये देखिए गिर गई। अभी हाथ लगाते ही मेरे सारी गिर गई फ्रेंड्स, ऐसी लगी हुई थी जैसे ही मैं हाथ लगाई थी गिरी जा रही थी। तो खैर अब इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है, मैंने इनमें गुड़ाई कर दी है फ्रेंड, और मैं काउडंग मंगा के और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मैं इनमें डालूंगी 10-10 दिन के अंतराल पे। और फ्रेंड्स ये देखिए, सब मैं केयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा लीफ वगैरह जो है सब मैं हटा देती हूँ, और कुछ प्लांट्स को मैं धूप भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो पर, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और मैं सोचती हूँ कि मैं प्लास्टिक पॉट में चेंज करूँ फ्रेंड्स कुछ ये शो प्लांट, अपने इंडोर प्लांट्स को। तो अगर आपको सही लगे तो फिर मुझे एडवाइस ज़रूर करिएगा कि क्या मैं चेंज करूँ, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है, और जो हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है उसमें तो क्ले पॉट ही अच्छा रहता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।